हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ बसंत बरेट, आई एम अ लीड ट्रेनर फायर एंड सेफ्टी फ्रॉम जिप्सा एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिप्सा MGI। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं स्पीड लिमिट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पीड लिमिट के बारे में कि जब एक कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पे स्पीड लिमिट की क्या वैल्यू होती है और एक सेफ्टी ऑफिसर की स्पीड लिमिट को लेके क्या उनके गाइडलाइंस होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल जिप्सा MGI को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा बनाया जा रहा है सारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कंस्ट्रक्शन साइट पे जब भी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया जाता है, बींग अ सेफ्टी ऑफिसर या फिर कह सकते हैं सेफ्टी ऑफिसर की वहाँ पे बहुत सारी ड्यूटीज होती है। जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में जो भी हैजार्ड है या जो भी सेफ्टी है उसको देखते हुए उनका अपना अलग अलग ड्यूटीज होती है। लेकिन वहाँ पे हमें एक चीज़ में सबसे ज़्यादा जो ऑब्जर्वेशन पे लाना पड़ता है वो होता है कि जो हमारे जितने भी व्हीकल्स होते हैं जो इनसाइड हमारे प्लांट के अंदर में जो हमारे कंस्ट्रक्शन साइट के या फिर आउटसाइड के जो व्हीकल्स हैं जिनका हमारे प्लांट के अंदर में आना या बाहर जाना, इस पे एक जो चीज़ें हमारी ऑब्जर्वेशन पे रहती है वो होती है इनका स्पीड। तो इसी स्पीड को ध्यान में रखते हुए हमारा वहाँ पे एक ड्यूटी हो जाती है कि हम अपने इंडस्ट्री पे स्पीड लिमिट को भी ध्यान में रखें, अपने वर्करों को भी स्पीड लिमिट के बारे में बताएं, देन हमारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं जो हमारे जितने भी हैवी मोटर व्हीकल हैं और उस पे जो भी ऑपरेटर उन पे जो वर्क कर रहे हैं उनको भी स्पीड लिमिट के बारे में बताया जाए। इससे हमारे वर्कर्स भी अवेयर रहेंगे और हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी ये गाड़ियों का जो मूवमेंट हो रहा है वो एज पर हमारे वर्क कंडीशन के अकॉर्डिंग से ही वहाँ पे स्पीड लिमिट को बनाने में हमें मदद मिले। तो इस तरीके से दोस्तों हम वहाँ पे अपने स्पीड लिमिट को भी ध्यान में रख सकते हैं। तो स्पीड लिमिट की अगर हम एक बात करें हमारे साइट पे लेके, तो सेफ्टी ऑफिसर क्या कर सकता है वहाँ पे स्पीड लिमिट का जो एक अपना बैनर जो है, एक पोस्टर जो है, आप अपने उस प्लांट के जो मेन एंट्रेंस है आप वहाँ पे एक स्पीड लिमिट का अपना क्या लगा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमारा ये जो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन साइट है इसका नेचर ऑफ वर्क कैसा है, किस तरीके का है, देन उसके अकॉर्डिंग से वहाँ पे आपकी स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए ये आप एक सेफ्टी ऑफिसर है आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। देन उसके अकॉर्डिंग से आप वहाँ पे स्पीड लिमिट को क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग साइट में स्पीड लिमिट अलग अलग होती है। लाइक अगर हम एक नॉर्मल जो हमारा कंस्ट्रक्शन साइट है पावर प्लांट का, वहाँ पे हमारे स्पीड लिमिट उस अकॉर्डिंग से होती है। अगर हम एक ओएनएम प्लांट की बात करें, हमारे रनिंग कमीशनिंग प्लांट की बात करें, तो वहाँ पे स्पीड लिमिट जो होती है वो अलग होती है। वहीं पे अगर हम एक केमिकल रिफाइनरी या हमारे बॉटलिंग प्लांट की बात करें तो वहाँ पे भी स्पीड लिमिट आपको अलग तरीके से देखने को मिलता है। इस तरीके से अगर आप चाहें तो स्पीड लिमिट के अगर एक केमिकल प्लांट है या फिर एक बॉटलिंग प्लांट, वहाँ पे आप 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर यूज कर सकते हैं। और जो हमारे वहाँ पे अलग अलग तरीके से वहाँ पे हमारा स्पीड लिमिट जो है 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हम एक केमिकल प्लांट बॉटलिंग प्लांट पे हम यूज कर सकते हैं। अगर वहीं पे अगर हम बात करें हमारे एक नॉर्मल पावर प्लांट जो कंस्ट्रक्शन साइट पे है तो वहाँ पे हम 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर तक की स्पीड लिमिट को हम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे कुछ ऐसे स्पीड लिमिट होते हैं जिसके बारे में एक सेफ्टी ऑफिसर को सबसे पहला उसका सेफ्टी पे ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि पहले उस कंपनी पे उस पावर प्लांट पे जो भी व्हीकल्स का जो आना जाना लगा हुआ है, जो गाड़ियों का मूवमेंट है, उनके स्पीड को ब्रेक देने के लिए आप हर एक जगह पे जो भी आपका एक जंक्शन पॉइंट है आप वहाँ पे स्पीड लिमिट को मेंशन करें और उस स्पीड लिमिट के बारे में अपने सेफ्टी मीटिंग में, टूल बॉक्स टॉक मीटिंग में आप अपने वर्कर्स अपने ऑपरेटर्स को भी बताएं कि वो स्पीड लिमिट को देखते हुए स्पीड लिमिट के अंदर में ही अपनी गाड़ियों की स्पीड को रखे। तो ये हमारा एक वीडियो था दोस्तों स्पीड लिमिट पे। आई होप आपको हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा।